तो आज की कक्षा में हम आज के व्याख्यान में हम प्रारंभ करेंगे मंगल। देखिए, ग्रहों के कारक तत्वों को जब तक नहीं पहचानेंगे तो हमारे सामने जो नई नई चीजें खुलनी है वो आरंभ नहीं हो पाएंगी, और इसी कारण से ग्रहों के कारक तत्वों को समझना परम आवश्यक है। तो मंगल से आरंभ करते हैं हम। मंगल भौम, ठीक है, मार्स, क्या शब्द प्रयोग किया उसमें? शूरता। भूमि, बल, शस्त्र धारण करना, नकारात्मक सेंस में मत लीजिएगा, अर्थ में मत लीजिएगा, जो शास्त्र में लिखा है उसी शब्द का प्रयोग करें। वीर्य का नाश, अर्थ क्या है? वीरता से वीर्य बनाए। चोर, युद्ध, विरोध, ढोल, का शोर, वैसे मंगल का एक नक्षत्र भी होता है धनिष्ठा, उसका अर्थ भी मृदंगी होता है, तो इसी कारण से कहीं ढोल का शोर लिख दिया होगा। मूर्ख, क्रोध, अग्नि, अग्नि सूर्य में भी आई थी, घाव, वर्ण, दिवस, छोटा कद, शल्य क्रिया, युवा अवस्था, पौरुष, दक्षिणाभिमुख, जला हुआ स्थान, सेनापति, बताएंगे भी सब आपको, दंड अधिकारी, और ततैया, सींग वाले पशु। देखो, पशु जो थे हमने सूर्य में भी पढ़े थे,
अब यहां उनका वर्गीकरण होने लगा, जैसे हमने कहा था कि यहां इनका वर्गीकरण होने लग गया ना, तो सींग वाले पशु हैं यहाँ पे। अब एक एक करके लेते हैं इनको। शूरता मतलब भय नहीं है मन के भीतर, और करना है तो करना है बिना भय के करना है। एक प्रकार से दूसरे शब्द इसके भीतर कहीं स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ वो होता है इसके भीतर। भूमि, भूमि का क्या अर्थ है? भूमि कई उससे आती है, जैसे शनि से भी आती है, वहां खेत आते हैं, शुक्र से भी आती है, वहां वैभवशाली भवन आते हैं, लेकिन मंगल से जो आती है वो खेत ना होके प्लॉट्स होते हैं, और भूमि से जुड़े सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, बल, बल का अर्थ तो सीधा सीधा बल ही है। शस्त्र धारण करना, इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। वैसे मूल अर्थ इसका यह है कि ऐसा औजार, उपकरण, वेपन जो धारदार हो, जिससे किसी को हानि पहुंचाई जा सके, तो शस्त्र धारण करना है। अर्थात जिसका मंगल बलि होगा उसके पास शस्त्र मिलेगा। लेकिन और तीसरे स्थान में तो कई बार बहुत देखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें और भी है, शस्त्र जो होता है वो एक प्रकार का हथियार भी है। तो हथियार जैसे अगर देखें तो एक लेखक का हथियार क्या है? लेखक का हथियार क्या होता है? कलम। ठीक है, बिजली मिस्त्री का अधिक हथियार क्या है? उसका प्लास। ठीक है, और कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, शिल्प करा निर्माण करने वाला, तो उसके क्या होंगे? उसके जो उसके पास जो होते हैं, कंपास होता है, डी होता है, इस तरह। तो जो शस्त्र यदि मंगल बलि है तो कार्य विशेष वाले व्यक्ति के भीतर, यदि एक चिकित्सक है और उनकी पत्रिका में मंगल बलि है तो आप ये देखिएगा स्टेटोस्कोप उनके पास हमेशा रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो क्लिनिक में रखा हुआ है। ठीक है, वीरनाश मतलब मंगल यदि अधिक बलि है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मंगल के लिए कामुकता भी एक शब्द है। तो कई बार जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बलशाली होता है ना तो भावनाओं में बह जाता है वो, और इसी कारण से वो अपने अपने शक्ति की हानि भी कर लेता है, इसीलिए इसको वीरनाश बोला है। ठीक है, चोर इसका बड़ा प्रबल कारक है मंगल। तो एक प्रकार से ये तो सेना भी है, सेना का अर्थ सुरक्षा अधिकारी, और दूसरी तरफ इसे चोर कह दिया गया। तो क्या है? निकृष्ट मंगल चोर, और बलि मंगल सुरक्षा अधिकारी। यदि मंगल जन्म पत्रिका के अंदर परिष्कृत है, प्योरिफाइड है, अच्छी कंडीशंस में है तो पुलिस अधिकारी, और यदि बिगड़ा हुआ है तो चोर। ठीक है, युद्ध किसी भी प्रकार का युद्ध इसी से देखा जाएगा। यदि आपस में कोई प्रतिस्पर्धा भी है, कंपटीशन, उसको भी मंगल से देख लेना चाहिए। मंगल बलि है तो प्रतिस्पर्धाओं में जीत होगी। विरोध, तो कोई भी विरोध, अभी एक पत्रिका देख रहे थे तो उनसे बोला कि आपके संस्थान में, आपकी ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में ऐसा लगता बहुत जल्दी कोई स्ट्राइक होने वाली है, हड़ताल होने वाली है। ये मेरे गुरु का सूत्र है तो उन्होंने बताया था। तो उसमें मंगल
के बारे में देखा जाता है। और वो कह रहे हैं ऐसा तो हमारे को कोई लगता नहीं है, मेरे आचार्य का सूत्र है, हमने इसको प्रयोग करके देखा। और सच में चार पांच दिन बाद उनके यहाँ से फोन आया कि जो आपने बोला था वो बिल्कुल सत्य हो गया, हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी था वो गड़बड़ कर रहा था तो हमने उसकी चोरी पकड़ ली, और चोरी पकड़ने के बाद हमने जब उसको डांट डपट लगाई तो उसने सारी लेबर में सारे अन्य लोगों में भी ये बात कह दी कि भाई इनके यहाँ काम नहीं करता, तो अचानक से वहां पे टूल डाउन हो गया। फिर उन्होंने समझाया, फिर आपस में बात करी। तो ये भी देखो उसी से देखा जाता है विरोध, क्यों शब्द आया था विरोध करना, ढोल का शोर, ऐसे बताया धनिष्ठा नक्षत्र में मृदंग बना हुआ है इसीलिए ढोल का शोर, अपनी बात का बड़ा प्रचार प्रसार भी है इनके पास में, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था ये कामुक है तो ये मूर्ख भी जल्दी बन जाता है। अब आप ये देखिए मेष राशि का प्रतीक देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए उसको, रैम को, मेंढे को, उसकी टक्करें हैं जैसे मैंने बताया था कि हर राशि प्योरीफाई होती है, 1, 5, 9 पहली अंधी अग्नि है, मतलब इनको पता तो है हमने टक्कर मारनी है लेकिन उद्देश्य कम पता है। दूसरी अग्नि क्या है, राज्य की अग्नि है, अर्थात हमें प्राप्त करना है राज्य तो वो उसकी अग्नि है। तीसरी अग्नि क्या है, धर्म स्थापना की अग्नि है, धर्म क्या होता है विधिवत। तो पहली अग्नि आई ना मंगल की तो मार्स है ना, तो उसको कहा मूर्ख, मतलब इसको लोगों ने उकसा दिया तो ये काम कर, तो जल्दी उकसने वाले भी होते हैं, ठीक है। क्रोध कहा है ना उसको, लाल नेत्र वाला, रक्त नेत्रम, तो लाल नेत्र है इसके। अग्नि, अग्नि को बताया ही है, तो जो भट्टी संबंधी कार्य होते हैं उसमें चाहे मिष्ठान बनाना भी क्यों ना हो वो भी सब इसी में आते हैं। घाव शल्य क्रिया में बहुत आता है और चोट में भी बहुत आएगा, घाव लगना भी इसी का प्रतीक है, यदि बॉडी में कहीं कोई घाव होता है, अल्सर भी इसी में आता है, फोड़ा वो भी इसी में देखे गए हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का यदि शरीर के भीतर कोई घाव लगता है तो ये सब इसी के भीतर आता है। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, एक सेकंड जरा, हो रही है भाई, ठीक है। तो हम पहुंचे कहां पे, शल्य क्रिया के ऊपर। चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं प्रश्न पूछूं ना कोई, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मेरे को लगा कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं रुक रही है, ठीक है। घाव, ठीक है। दिवस, दिवस का प्रयोग यहां क्यों किया गया है, जैसे पिछली बार बताया था सूर्य आयन है 6 महीने है और चंद्रमा क्षण है, फ्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट, तो मंगल को दिवस बोला है अर्थात दिन में ही काम हो जाए, अभी सोचा अभी काम हो जाए, इसीलिए मंगल के भीतर आया हमारा दिवस। उसके बाद आया दंड अधिकारी, मतलब जो दंड दे सकता है वो दंड अधिकारी है, तो इसमें इसकी संज्ञा में तो सुरक्षा विभाग में वो जो दंड दे सकते हैं, वैसे तो मूलतः दंड देने का अधिकार न्यायाधीशों का होता है लेकिन फिर भी मंगल जो है उनके ऊपर शासन करता है। और दक्षिणाभिमुख, ये दक्षिण की दिशा को बताता है, दसवां स्थान होता है दक्षिण का पत्रिका के भीतर, तो इसीलिए जो वास्तु में भी हम विचार करते हैं तो उसमें मंगल की दिशा कौन सी बताई है, दक्षिण। और आप ये देखिए कि मंगल शुक्र मिलके एक प्रकार से चंद्र
मंगल मिलके चंद्रमंगल आयोग बनाते हैं और शुक्र मंगल मिलके लक्ष्मी योग बनाते हैं। ठीक है, तो यदि शुक्र की दिशा देखें, भृगु की दिशा देखें, तो वो है साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, और मंगल की दिशा देखें तो है दक्षिण। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इन दोनों का मिलन भी होता है। ठीक है, तो दक्षिण। फिर है जला हुआ स्थान, तो जले हुए स्थान में भी हमने बताया था कि भट्टी इसी के भीतर आती है, चूल्हा इसी के भीतर आता है, और सेना और सेनापति। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो टीम लीडर्स हैं वो और सेनापति वैसे भी ले लिया जाए तो सभी के सभी मंगल के भीतर आते हैं। और एक और दो, एक दो और कारक तत्व हैं, आपको देखने को नहीं प्राप्त होंगे लेकिन फिर भी लिखवा देते हैं, पर पुरुष। मतलब जो जीवन में आपके लिए अधिकृत है ये शास्त्र जो है, ये जिस समय लिखा गया था उस समय हो सकता है समाज पुरुष प्रधान हो, तो इसी कारण से इस तरीके से लिखा गया था उसको। इसका अर्थ ये है कि जो आकर्षण होता है विपरीत जेंडर से, तो स्त्री की पत्रिका में मंगल और पुरुष की पत्रिका में शुक्र, इनको देखना चाहिए। जो भिन्न, अपने से भिन्न जेंडर से जो आपका आकर्षण होगा वो इससे देखना चाहिए। तो उसमें कहे पर पुरुष से मिलन तो मंगल के लिए बोला है, और यदि यही देखना हो कि भाई पुरुष कैसा होगा ये इस संदर्भ में, तो शुक्र से देखना चाहिए। वैसे इसके लिए कुंडली और भी विचार की जाती है, जिसको शील विचार कहा जाता है, उस कुंडली का वर्ग कुंडली का नाम है त्रिमशांश, जिसको डिविजनल चार्ट 30 बोलते हैं। आगे चल के वो सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सेना जलावस्थान तो हमने फिर इसमें पर पुरुष से मिलन। तो मंगल मुख्यतः ऊर्जा है, और इसी कारण से काल पुरुष की प्रथम राशि के ऊपर इसका आधिपत्य है। ऊर्जा नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन यही ऊर्जा विध्वंसकारी भी है, इसीलिए इसकी अष्टम राशि भी इसी की है। तो प्रथम राशि भी इसी की है और अष्टम राशि भी इसी की है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसको, जहां तक मुझे ध्यान है, प्लूटो आदि से विचार किया जाता है, हो सकता है कुछ और भी हो। मतलब ये उथल पुथल है और ये प्रारंभ है, ये आयु है, जहां से प्रारंभ हुआ तो ये आयु का विचार है कि कहीं अचानक से समाप्त तो नहीं हो जाएगी। इसी लिए यदि मंगल पत्रिका के भीतर बली है तो जब आयु विचार पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो अच्छे खासे अंक इसको दिए जा सकते हैं कि व्यक्ति अपनी साहस से, दृढ़ता से, शौर्यता से लंबी आयु प्राप्त करेगा। हो सकता है आयु कम लिखी हुई हो लेकिन उसके उपरांत भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो
आयु अधिक प्राप्त कर लेगा। हट भी बोला है इसको, हटी भी बहुत है ये। किसी चीज पर हट जाता है तो उसी पर रुक जाता है, बस यही करना है मुझे, यही करना है, ठीक है। इसी कारण से इसको हटी भी कहा गया। एक इसके अंदर और भी बहुत विशेष गुण है, उसको कहते हैं दूसरों को अपशय, बदनाम करने की क्षमता, क्योंकि दम्भ है ना इसके अंदर, साहस बहुत है, तो दूसरों को बदनाम करने का भी इसके अंदर बहुत हुआ है। और बोन मैरो भी यही है, जिसको कहते हैं मज्जा। तो जब भी पत्रिका में मंगल बली है तो ये सारी चीजें होंगी, और आधुनिक परिपेक्ष में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ठीक है, विद्युत कर्मचारी, इस प्रकार से भी मंगल के बहुत सारे विचार किए जा सकते हैं। इसकी ऋतु है ग्रीष्म। चैट बॉक्स में अपने जो चीजें नहीं समझ आए वो डाल सकते हैं। इसकी ऋतु है ग्रीष्म और बड़ा पराक्रमी भी है, बलशाली। और मंगल का जो स्थान है वो चेहरे के ऊपर से कैसे पता लगेगा इसका मंगल बली है, तो आंखों के ऊपर का जो ये वाला एरिया होता है, ये हो गई हमारी आईब्रोज, ये हो गई हमारी आंखें, तो ये जो ऊपर का एरिया होता है आंखों भवों के ऊपर का, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, जिसका भी पत्रिका में मंगल बली होगा। मतलब आईब्रोज के ऊपर हल्का सा उभार जरूर देखने को मिलेगा, उभार मिले, चमक मिले। अब किसी के चेहरे को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं। देखिए माथा यदि मस्त, जो आपका फोरहेड है, माथा यदि चमकता हुआ है तो बृहस्पति बली है, लेकिन माथे से नीचे जिसको ललाट बोलते हैं और भव से थोड़ा सा ऊपर, ये जो पोर्शन है ये मंगल के लिए बोला गया, और नीचे जाके जो बॉडी पार्ट बनते हैं यहाँ पे, तो जो पीछे का एरिया है तो वो भी अपने आप में, हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसमें आता है, ठीक है, मुख्यतः मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीसी के अंदर आता, भीतर आता, ठीक कहा आपने। तो जो पुष्ट भाग है वो भी इसी के भीतर आता है, ये यौवन का भी प्रतीक है, ठीक है, जहां हमारा बुद्ध जो है वो कौन से बाल्यकाल का है, 4 वर्ष से ऊपर, 4 से ऊपर, और लगभग लगभग 12 तक, ठीक है, 12 से लेके 18 तक मंगल। तो पहले हुए चंद्रमा, जिसको किड बोलते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर हुआ 4 वर्ष से ऊपर तो बुध बना, फिर बुध से ऊपर उठा तो युवा बना, ऐसे। तो मंगल पत्रिका के भीतर बली है, तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं, और इसकी धातु क्या है, तांबा, स्वर्ण भी आती है, गोल्ड, सूर्य की भी है तांबा, और रत्न है इसका
मूंगा और मूंगे में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ट्राइनल मूंगा, ठीक है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के उसमें लिखा हुआ है। मूंगे का जो विचार किया है, तो जब आपने विषय छेड़ा है तो मूंगे के रंग भी है विभिन्न प्रकार के। तो एक है हल्का रंग, एक है मध्य रंग और एक है गहरा रंग। ऑरेंज के आसपास होता है ये रेड होता है, लाल ये रक्त लाल होता है, अर्थात ये बहुत ही ज्यादा लाल होता है, ये मध्य लाल है और ये ऑरेंज है संतरी जैसा। तो पत्रिका में यदि रत्न किस लिए धारण किए जाते हैं, ये एक रंग चिकित्सा है, रंग की थेरेपी है। तो यदि ऐसा लगे कि व्यक्ति ऊर्जावान नहीं है, तो कभी कभी डिप्रेशन में जा रहा होता है व्यक्ति, तब भी जेम स्टोन के रूप में मंगल का जेम स्टोन पहनाया जाता है। लेकिन पत्रिका में देख लेना चाहिए कहीं कोई उससे दिक्कत है, एकदम से अभी इस पे विचार नहीं कर रहे। तो मंगल का जो जेम स्टोन है वो है मूंगा, जो कि दो प्रकार की आकृति में आता है, ओवल और ट्राइन। मूलतः ट्राइन बहुत अच्छा बताया गया है क्योंकि इससे सुरक्षा बढ़ती है। ओवल भी अपने आप में आयतकार, वो जो अंडाकार है वो भी अपने आप में काफी चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मंगल के कारक तत्व देखे, उनको दोबारा से विचार कर लेते हैं। शूरता मतलब शक्ति, डेयरनेस भूमि अर्थात प्लॉट, बल स्ट्रेंथ। जब हमने भूमि पढ़ाई थी तो खेत खलियान सारे शनि के भीतर बताए, शुक्र के भीतर हमने भवन बताए, वैभवशाली अर्थात आज के समय में कोठियां फ्लोर, और जो मंगल के बताए तो प्लॉट्स बताए। शस्त्र धारण करना अर्थात ऐसे कोई वेपन अपने पास रखना, और या फिर विशेष उपकरण अपने पास रखना जिसके कारण से आपको हमेशा ही उससे लाभ मिलेगा। वीर्य का नाश करना, अपनी वीरता का हानि कर लेना। जब अधिक व्यक्ति बलशाली हो जाता है तो कभी कभी अपने लिए हानि भी करता है। चोर बली मंगल है तो सेनापति सुरक्षा अधिकारी, और निर्बल मंगल है तो चोर। प्रश्न के अंदर भव विचार किया जाता है, चोर देखना हो तो मंगल से देखना चाहिए। युद्ध किसी भी प्रकार की जो युद्ध कला है वो मंगल से देखना, और विरोध सभी प्रकार का विरोध मंगल से आता है। ढोल का शोर अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, और साथ में इसमें जोड़ के बनाया हमने धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मृदंग का प्रतीक है। कामुकता भी मंगल के भीतर आती है, ऐसा मेरा अनुभव भी और एक दो जगह पढ़ने को भी मिला। मूर्ख यदि व्यक्ति अधिक बलशाली है तो कई बार वो मूर्ख भी आसानी से बन जाता है। क्रोध भी इसी का है, घाव लगना वो भी इसी का है, और इसके उपरांत आता है फोड़ा फुंसी, तो चिकन पॉक्स आदि आदि भी इसी के भीतर आते हैं। माता निकलना भी इसमें आता है। दंड अधिकारी, दंड अधिकारी का अर्थ हुआ ऐसा सुरक्षा अधिकारी जो दंड दे सकता हो। आज के समय में इसको न्यायाधीश आदि भी संकेत देता है। इसके सींग वाले पशु, ततैया डंक मारने वाला, और सींग सींग मारने वाला पशु मंगल के भीतर आता है। पौरुष शक्ति दक्षिण दिशा, जला हुआ स्थान जो भट्टी आदि है वो है। सेना और सेनापति जो फौज को सेना को नियंत्रण रखे, तो आज के समय में टीम लीडर भी इसी के भीतर आते हैं। मंगल के भीतर हमने कहा दिवस दिन को बनाने वाला है, सेना को कहा सेनाधिकारी, चोर चोरी बताया, और इसके साथ में तीन राशियां बताई थी अग्नि तत्व की, जिसमें मंगल की प्रथम राशि है अग्नि है, लेकिन इसके पास अग्नि जो है इसकी अनियंत्रित अग्नि हो जाती है। इसी कारण से सिंह की अग्नि राज्य की लालसा है, और धर्म की अग्नि, धर्म मतलब विधि पूर्वक, वो आपकी 9वीं राशि की है। 10वें स्थान में मंगल दिग्बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले लेता है,
और साउथ ईस्ट जो है शुक्र की दिशा है और मंगल की दिशा है साउथ, इसी कारण से शुक्र मंगल मिलके लक्ष्मी योग बना देते हैं और चंद्र मंगल मिलके भी लक्ष्मी योग बनाते हैं, किंतु वहां वो तपा के, और शास्त्र ऐसा कहता है कि अपनी माता को पीड़ा देता है, लेकिन शुक्र मंगल में एक क्रियात्मक शक्ति होती है। ऊर्जा मंगल का प्रतीक है, तो बैटरी के सेल मंगल है आपके मोबाइल में, आजकल जो बैटरी प्रयोग होती है वो जो ऊर्जा ग्रहण करके ऊर्जावान हो जाती है, वो सब मंगल ही है। पर पुरुष से मिलन हटी, पुरुष की कुंडली में हो तो शुक्र से देखना चाहिए, किसी स्त्री की कुंडली में हो तो मंगल से देखना चाहिए। पर पुरुष से मिलन का अर्थ ये है कि जो जीवन में आपके लिए अधिकृत है, आप उससे इतर होके कहीं आपका कोई रुझान बन रहा है तो मंगल से विचार करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। साथ ही साथ इसके लिए केवल मंगल की ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, अपितु इसमें एक वर्ग कुंडली त्रिशांश का भी प्रयोग किया जाता है, D30 जिसको कहा जाता है। इसके उपरांत आया दूसरों को बदनाम करने की, अपशय देने की क्षमताएं, ये सब मंगल के भीतर आती हैं। बोन मैरो मज्जा ये सब मंगल के भीतर आ रही हैं, और गर्मी की ऋतु इसी के भीतर आती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ये सब मंगल के भीतर आएंगे। धातु इसकी तांबा भी है और टिन भी कही गई है एक जगह पे। टिन भी बड़ी ऐसी धातु होती है जो इतनी आसानी से गलती नहीं है। चैट बॉक्स में बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को प्लीज, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर कैमरा आ रहा होता है क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगल के भीतर और क्या है, रंग है इसका, तो रंग में इसके, ठीक है जी, तो रंग में इसका लाल रक्त वर्ण रंग बोला है इसका, और साथ ही इसमें मूंगे का प्रयोग भी बोला है। यदि व्यक्ति को किसी तरह की, जैसे मैंने बोला, अवसाद की समस्या है अर्थात डिप्रेशन की समस्या है, तब कभी कभी मंगल का प्रयोग किया जाता है, उसको मंगल का रत्न धारण करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें कौन सा रत्न धारण करते हैं, यदि सामान्य समस्या है तो हल्के रंग का, थोड़ी अधिक समस्या है तो उससे थोड़ा गहरा, और ज्यादा समस्या है तो उसके लिए मंगल, यदि योगकारी हो तो उसी तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने मंगल के कारक तत्व तो देखे, और मंगल की दो राशियां हैं, मंगल की एक है मेष और एक है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के भीतर ऐसा देखा गया है कि पिता और गुरु के आशीर्वाद में कमी रहती है, ऐसा शास्त्र कह रहा है, और मेष में भरपूर रहता है, लेकिन इसमें माता के आशीर्वाद में थोड़ी सी कमी देखी गई है। मंगल के लिए जो बताया था, इसका जो चेहरे के ऊपर जो बताया था, भवों के ऊपर जो दिखने वाला जो स्थान होता है, तो मंगल का होता है, कई बार ये बड़ा उभार लिए हुआ होगा, मंगल यदि पली है तो ये देखने को मिला है। साथ ही कमर से नीचे आपके पुष्ट भाग का जो बैक साइड है, उनके ऊपर भी ये शासन करता है, तो वो बड़े सुदृढ़ अवस्था में, शारीरिक जो आकृति होगी बड़ी सुदृढ़ देखने को मिलेगी, तो पता लगेगा पत्रिका में मंगल इस व्यक्ति का बली है। अब ये हमारी व्याख्या थी मंगल की। अब इसी व्याख्या को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक जब ग्रह पढ़े तो उसके साथ और कई चीजें पढ़ लेनी चाहिए, तो मंगलवार भी पढ़ेंगे आज हम। तो मंगलवार के बारे में आचार्य श्री मिश्र जी कहते हैं, हमलावर स्वभाव होता है इनका, अर्थात आपने प्रश्न पूछा ये तुरंत उत्तर देंगे, ठीक है, कोई भी
वो बोले तो प्रत्युत्तर जरूर देंगे, प्रत्युत्तर देने वाला। आजकल हमने देखा एक समय था बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया था, पक्ष विपक्ष। फिर उसको थोड़ा उन्नत किया गया, उसको बोला प्रतिपक्ष। तो पहला हुआ पक्ष और दूसरा हुआ प्रतिपक्ष, अर्थात विपक्ष नहीं है हमारा। अब फिर दोबारा से एक शब्द प्रयोग किया जाने लगा, पक्ष और विपक्ष, मतलब एक हम तरफ, एक तरफ हम है दूसरे। अरे प्रतिपक्ष का अर्थ ये होता है कि आपके जो समानांतर है उसकी भी अपने मत है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है वो आपका विरोधी है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा है। अब एक जो परिपाटी चल पड़ी तो पक्ष और विपक्ष हो गया, मूलतः पक्ष है और प्रतिपक्ष है। आप मेरे विपक्षी नहीं हो सकते, आप मेरे प्रतिपक्षी हो सकते हो, जिनका अपना एक मत है, ठीक है। तो हम कर रहे थे मंगलवार का जन्म, तो जिन लोगों का जन्म मंगलवार के दिन होता है, प्रत्युत्तर बड़ी जल्दी देना चाहते हैं, हट भी होती है जैसा पीछे पड़ा था, और सम्मान की चाहत इनके भीतर बहुत छुपी होती है। बस मुझे सबसे पहले सर्वप्रथम पंक्ति में खड़ा करो, मेरा मान सम्मान करो, माला मुझे डलनी चाहिए। और आत्मविश्वास बहुत होता है इनके अंदर, और प्राइड भी बहुत होता है, और प्राउड भी होता है, दोनों ही इनके भीतर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगल के ये सारे गुण देखने को प्राप्त हो रहे हैं। इसके उपरांत हम करेंगे आज की तिथि, और फिर करेंगे वर्क कुंडली D3 के ऊपर विचार, अंत में आपके प्रश्न लेंगे। तो तृतीया तिथि, जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पे शासन करने वाली, ये मेरी अपनी एक शोध है, बहुत जगहों पे देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरा ये अपना एक शोध है ये, और मैंने इसके परिणाम देखे, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं इसको। तो तृतीया तिथि की देवी है या देवता है गौरी। तीसरा स्थान, और ठीक इसके सामने पड़ता नौवां स्थान, उसकी है दुर्गा, जबकि होना इसका चाहिए था। खैर, तो तृतीय तिथि क्या करना चाहिए, किसी की बैक बाइटिंग से बचना चाहिए, किसी की चुगली से बचना चाहिए, अर्थात ये अर्थ हुआ इसका, ये जल्दी चुगली कर सकते होंगे ये, ऐसा आचार्य श्री मिश्र जी का कथन है, और जो हमारे मौर्य शास्त्र के ग्रंथ है उनमें भी ये वर्णित है। कन्याओं का पूजन करना चाहिए, अर्थात जो कन्याएं हैं उनका मान सम्मान करें। स्त्री का आदर करें। देखो इसमें स्त्री बोला है, अब ये अगर किसी स्त्री की कुंडली हो तो उसके लिए भी यही विचार है, इसमें स्त्री का अर्थ स्त्री है, उनको भी स्त्री का आदर करना चाहिए। कभी कभी कई बार स्त्रियां भी इतनी पुरुषत्व ले के चल रही होती है जीवन में, वो अपने आगे किसी को अपने स्वभाव के कारण से किसी को तिरस्कृत कर दें, इसलिए कहा है इसमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है तृतीय तिथि के अंदर ऐसे गुण हो कि वो जल्दी किसी को तिरस्कृत कर देते हो, अपमान कर देते हो। और इसमें भी कहा है कि पर संबंध से बचें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तृतीय तिथि में जो जन्म लेते हैं उनका
उनके अंदर जो हार्मोनिकल जो उनके अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अर्थात जो शरीर के ऊपर नियंत्रण रखती है, वो इस तरीके की हो कि उनको उन्मुख कर देती हो पर संबंध बनाने से, तो उनको उससे बचना चाहिए। साथ ही कहें तृतीय तिथि के दिन, जो तृतीय तिथि वाले दिन वो जो सोडियम वाला नमक होता है उसका प्रयोग कम करें, और दूसरा कर लेना चाहिए व्रत वाला, तो वो इसमें अच्छा रहता है। तो तृतीय तिथि के बारे में इतने विचार है, और तृतीय तिथि के दिन जो जन्म लेंगे उनके लिए पत्रिका में तीसरे स्थान के ऊपर विचार जरूर करना चाहिए। सबसे में अंत में आएंगे द्रेष कौन कुंडली, जिसके बारे में आज हमने विचार करना है। द्रेष कौन कुंडली, जिसको D3 द्रेष तान कुंडली D3, ठीक है। तो द्रेष कान कुंडली को आज हमने पढ़ने के लिए, क्योंकि मंगल किया वो तीसरे स्थान को रूल करता है, तृतीय तिथि करी वो तीसरे स्थान से, तो इसके साथ साथ ही तीसरे स्थान से संबंधित वर्ग कुंडली द्रेष कान का करेंगे। तो द्रेष कान का अर्थ क्या है, एक राशि के भीतर जैसे सभी को पता है 30 अंश होते हैं, कोई भी राशि जो होती है 30 अंश की होती है, 0 डिग्री से आरंभ होकर 30 डिग्री तक, फिर आगे चलती है 30 से लेके 60 तक, 60 से फिर आगे, ऐसे करके 360 डिग्री का तो बचक्री है यहां से यहां तक। तो कोई भी लग्न जो 0 अंश से लेके और 30 डिग्री तक हो, उसी के हमने करने हैं कितने, 3 भाग। तो 0 से लेके 10 पहला प्रश्न सबसे बाद में लेंगे आपके, क्योंकि जिज्ञासा आएगी आपकी, बस 2 मिनट और दीजिए। 10 से लेके 20 और 20 से लेके 30, तो कोई भी कुंडली यदि 0 से लेके 10 डिग्री के भीतर लग्न हो देता है तो प्रथम द्रेष कौन, 10 से लेके 20 डिग्री तक हो देता है तो द्वितीय द्रेष कौन, और 20 से लेके 30 डिग्री तक में है तो तीसरे द्रेष कोण के भीतर व्यक्ति का जन्म हुआ है। अर्थात कैसे, नए छात्रों के लिए, नए जिज्ञासियों के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है लग्न की डिग्री असेंडेंट डिग्री, तो मान लीजिए कोई असेंडेंट की डिग्री लिख रखी है 1.50, तो ये तो 1 पॉइंट ही है, तो ये तो पहला ही द्रेष कोण हुआ इसका। तो ये जब 10 डिग्री तक भी पहुंचेगा, 10 पॉइंट तक ही एग्जैक्टली, वैसे कभी कभी 10 पॉइंट होना मुश्किल ही होता है, ठीक है, 10 डिग्री तक होना, क्योंकि थोड़ा सा पीछे सेकंड्स में आ ही जाता है। तो 0 से लेके 10 डिग्री तक पहला दृश्य कौन उदित होगा, तो इसकी जो डिविजनल कुंडली बनेगी D30 जो कुंडली बनेगी तो वो पहले ही दृष्ट कौन की बनेगी। और 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में लगन हो तो दृष्ट कौन कुंडली 5वीं बनेगी, और 5 से लेके 20 से लेके 30 डिग्री का हो तो दृष्ट कौन कुंडली 9वीं बनेगी। अर्थात यदि 0 से लेके 10 डिग्री का लगन हो तो दृष्ट कौन कुंडली का लगन भी वही होगा जो उस कुंडली का लगन है, मतलब यहाँ अगर वृषभ है तो वृषभ ही होगा, मिथुन है तो मिथुन ही होगा 0 से लेके 10 डिग्री तक के बीच में। और यदि 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में लगन है तो उससे 5वां मिलेगा, ठीक है। तो मेष है तो सिंह मिलेगा, मिथुन है तो तुला मिलेगा,
और कर्क है तो वृश्चिक मिलेगा, दृष्कान कुंडली का लगन बोल रहा हूं मैं, दृष्कान D3 का लगन, D3 और D3। और यदि 20 से लेके 30 डिग्री तक का लगन है तो नौवा मिलेगा, मेष है तो D3 का लगन मिलेगा आपका धनु है, वृषभ है तो इसका मिलेगा कौन सा, दस दस मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब उससे नौवा। तो यहां से गिनना शुरू करेंगे और उससे नौवा में, तो पहले में पहला, दूसरे में पांचवा और तीसरे में नौवा राशि उसकी दृष्टिकोण कुंडली में मिलेगी। अब इसका अर्थ क्या है और ये क्यों देखा जाता है, स्वभाव के बारे में विचार करने के लिए दृष्टिकोण का है और भाई बहनों के बारे में विचार करने के लिए दृष्टिकोण को कहा गया। तो पहला दृष्टिकोण है हमारे पास अर्थात D3 का, D3 वर्ग कुंडली दृष्टिकोण। तो पहला हमारे पास है नारद, दूसरा हुआ अगस्त और तीसरा हुआ दुर्वासा। ये ऋषियों के नाम है। तो यदि व्यक्ति का जो जन्म है वो प्रथम दृष्टिकोण में हुआ है, लग्न कुंडली यदि शून्य अंश से लेके 10 डिग्री के भीतर भीतर है तो D3 कुंडली बनेगी नारद नामक दृष्टिकोण से। नारद ऋषि के बारे में यदि विचार करें तो भ्रमण उनके बारे में कहा गया, तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, नारायण नारायण का भजन करते थे। एक प्रकार से उस समय के वो लोगों के लिए पत्र इधर से उधर विचार करते थे, अर्थात इनसे जो बात सुनी उनको वहां तक पहुंचाना, वहां से सुने उनको दूसरे। तो ऐसे व्यक्ति यदि प्रथम दृष्टिकोण में जिनका जन्म हुआ है, जिनका लग्न 0 से 0 से 10 अंश के भीतर है, घुमक्कड़ होंगे, बात को इधर से उधर फैलाने वाले होंगे। आज के समय में कहें तो कॉल सेंटर आदि इत्यादि भी इसी में आ सकते हैं, मार्केटिंग करने वाले भी आ सकते हैं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपको ढाल लेना चाहिए। दूसरा देश कौन है, अगस्त है। तो ऋषि अगस्त के बारे में कहा समुद्र पी लिया उन्होंने, ठीक है, तो गहराई में रहने वाले। सब कुछ अपने भीतर समा लेने वाले, अच्छा है तो अच्छा भी, बुरा है तो बुरा भी, सब अपने भीतर समा लेने वाले। अगस्त शांत, इतना सब कुछ अपने अंदर ले लिया लेकिन बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वही अगस्त ऋषि है। और यदि तीसरी उसमें हुआ है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के भीतर तो दृष्टिकोण उत्पन्न होगा दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा के बारे में कहा गया है कि शीघ्र श्राप देने वाले, ये बड़ी जल्दी श्राप दे देते थे ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो क्रोधी, ठीक है। अब इनके बारे में वैसे विचार करेंगे तो मेष का जो होगा वो पांचवा होगा, तो वहां पे अग्नि स्थापित हो जाएगी सिंह की, तो ये बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। मैंने केवल इतना बताया कि शून्य से 10 लग्न दृष्टिकोण फर्स्ट पहला नारद, 10 से 20 लग्न दृष्टिकोण D3 है, दूसरा अगस्त है ऋषि ऋषि, ठीक है, और 20 से 30 लग्न दृष्टिकोण दुर्वासा,
एक तो ये विचार हुआ इसका, तो एक घूमने वाले, एक सब कुछ समाहित करने वाले और एक जल्दी क्रोध होने वाले, ठीक है। दूसरा इसका विचार किया जाता है आपका, जब बनाया जाता है रोग विचार में इसका किया जाता है, अर्थात यदि लग्न शून्य से लेके 10 के भीतर है तो ये हो गया हमारा चेहरा, ये हो गए हमारे आंखें, ये हो गए हमारे कान, ये हो गया हमारा गाल, ये हो गया ठुड्डी, ये नीचे की ठुड्डी, और ऐसे करके। तो चेहरे के बारे में ही इसके बारे में कहा गया है कि प्रथम दृष्टिकोण में रोग उत्पत्ति के लिए कहा जाता है, ठीक है। दूसरे दृष्टिकोण में शरीर के दूसरे पार्ट को बांट लिया गया, विभाजित कर दिया गया, ठीक है। कंठ, कंठ से लेके गले से लेके और नीचे तक में, और फिर तीसरे में आ जाता है हमारे पास नीचे से लेके और पांव के तलवों तक में, ऐसे करके इसका रोग विचार में जब मेडिकल चिकित्सा ज्योतिष पढ़ाएंगे तो वो आपको बताएंगे रोग विचार में, कि व्यक्ति को यहाँ केवल इतना समझ लेना चाहिए कि शून्य से लेके यदि 10 डिग्री के लग्न है तो ऐसे व्यक्ति को जो रोग की समस्याएं आती हैं, व्याधि की समस्या आएंगी, स्वास्थ्य समस्या आएंगी, उनका प्रारंभ हमेशा, उनका प्रारंभ हमेशा सर से लेके और ठुड्डी तक से प्रारंभ होगा। फैलने को कहीं भी शरीर में फैल सकता है, लेकिन उसका प्रारंभ जो है वो इससे देखने को मिला, ऐसा आचार्य श्री ब्रह्मचारी जी कहते हैं। और यदि 10 से लेके 20 तक में है तो छाती के मध्य से उसका प्रारंभ होता है, गले से लेके छाती के बीच में आता है। रोग उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जब हम किसी भी कुंडली का विचार करेंगे तो उससे देखने को प्राप्त होगा कि ये रोग उत्पत्ति में, और स्वभाव में भी हमने देखा इसके भीतर, कि यदि हम स्वभाव देख रहे हैं तो नारद का स्वभाव क्या है, अगस्त्य का क्या है, दुर्वासा का क्या है। तो एक है घुमक्कड़, एक के सब कुछ अपने अंदर समाहित करने वाले बड़े गहरे, और एक है जल्दी क्रोध में आने वाले। तो इस प्रकार आज हमने पूरा का पूरा इसको पूर्वालोकन कर लेते हैं इसका। मंगल के कारक तत्वों को पढ़ा हमने, साथ ही हमने मंगल का जो शरीर के ऊपर जिस स्थान पे आधिपत्य ज्यादा देखा गया उसको पढ़ा, इसकी आयु विचार पढ़ी कि मंगल कौन सी आयु में अधिक जागृत होता है, मंगल की दो राशियों के बारे में पढ़ा बहुत संक्षेप में, रंग पढ़ा, इसका रत्न पढ़ा, और तृतीय तिथि के बारे में पढ़ा, और उसके उपरांत हमने दृष्टिकोण कुंडली के बारे में पढ़ा, इसके प्रयोग को समझा सूक्ष्म रूप में, और साथ ही साथ कैसे इसको प्रयोग किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, और अब आप लोग एक सेकंड।